ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर सीट पर कमल खिलाएंगे। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं कर रहे पर आप लोग दिखाई पड़ते हैं। ये बताता है कि 2024 में फिर से एक बार मोदी जी बिहार में सभी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। माताओं भाइयों बहनों, आज मैं लोकसभा प्रवास के तहत नवादा आया हूं। इसके पहले सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं। भाई और बहनों, बिहार में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। और मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नदी की है, चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टिकरण में नहीं मानते। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। माताओं भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाए भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है। मुझे बताइए, बिहार की 40 सीटें मोदी जी को देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है मोदी जी को दिल्ली में? जोर से बोलिए, देंगे क्या? हर सीट पर कमल खिलाएंगे। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2025 में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार लाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद।